हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हार की जीत। फ्रेंड्स, आपको पता है हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। हाँ, तो आज ऐसे ही बाजीगर की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें बाजीगर कौन है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये मुझे पता नहीं, कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इस कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। तो पहले कहानी के बारे में देखते हैं क्या है, फिर श्री सुदर्शन जी का संक्षिप्त परिचय, फिर हम कहानी की ओर जाएंगे। फ्रेंड्स, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है कि एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इस कहानी के जो लेखक हैं श्री सुदर्शन जी, उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, फिर हम साधु और डाकू की कहानी हार की जीत पर जाएंगे। श्री सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठे दर्जे में थे, यानी छठी कक्षा में थे, तभी से आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया, तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य की समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी श्री सुदर्शन द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देते हैं। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया और यह कहानी पूरी उसी बात पर है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो ऐसी कौन सी बात थी जो बाबा भारती ने डाकू से कही और डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया? तो चले फ्रेंड्स कहानी की ओर। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। यह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। इसके जोड़ का मीन्स इसके जैसा। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। फ्रेंड्स, उस घोड़े का नाम भी बाबा भारती ने रखा था सुल्तान। आपको पता है कि महाराणा प्रताप का भी एक घोड़ा था, उसका नाम आपको पता है? चेतक। तो उसकी कहानी आप पढ़िएगा। वो भी बहादुर घोड़ा था और वफादार घोड़ा था। आप महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ेंगे तो आप उसके घोड़े के बारे में भी जानेंगे। तो बाबा भारती उस घोड़े का नाम सुल्तान रखा था। उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते थे। खरहरा यानी घोड़े को ब्रश से साफ करते थे, उसके बालों पर कंघी घुमाते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानि नफरत। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना यानि मोहित होना। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो।
जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। तो फ्रेंड्स, बाबा भर्ती का एक घोड़ा था। वे एक साधु सज्जन व्यक्ति थे। वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर और सुडोल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। अब आगे देखते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी प्रख्यात। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति यानी उसकी प्रशंसा, तारीफ। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भर्ती के पास पहुंचा और नमस्कार कर बैठ गया। इतना बड़ा डाकू जो उस इलाके का प्रख्यात था, लोग उससे डरते थे, फिर भी बाबा भर्ती के पास डाकू आता है और उसे नमस्कार करके बैठता है। देखो बाबा भर्ती का ये प्रभाव था। बाबा भर्ती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा यानी इच्छा। तो फ्रेंड्स, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भर्ती के पास आया और उसके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा भर्ती ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वह लौटते हुए उसने बाबा से कहा, वह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भर्ती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों का निवास। बाबा भर्ती ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। सहस्त्र यानी हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बाका यानी सुंदर। सोचने से लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग में उड़ने लगा यानी तेजी से दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। यह एक मुहावरा है, सांप हृदय पर सांप लौट जाना यानी ईर्ष्या होना। अब डाकू को बाबा भर्ती के घोड़े को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भर्ती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भर्ती भी कुछ असावधान से हो गए। संध्या का समय था। बाबा भर्ती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुंह पर प्रसन्न था। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। फूला न समाना यानी
बहुत प्रसन्न होना, यह भी एक मुहावरा है। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले को सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है और बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य नाम का, नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भरती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और गला जो लगाम थी वो हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो फ्रेंड्स, देखा वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो फ्रेंड्स, कुछ समय तक बाबा भरती को खड़क सिंह का भय सताता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उस भय को मिथ्या मानकर वे निश्चिंत हो गए। एक दिन बाबा भरती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। सहसा उन्होंने एक कंगले यानी अपाहिज की दीनता भरी, करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से कहा कि वह 3 मील दूर रामावाला गांव में अपने सौतेले भाई के यहाँ जाना चाहता है। बड़ी कृपा होगी यदि वे अपने घोड़े पर बिठाकर उसे वहां तक पहुंचा देंगे। बाबा जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा दिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उस अपाहिज ने झटक कर लगाम ले ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बहु रुपये के भेष में कौन हो पता नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बाबा जी कुछ देर तक तो चुप रहे, इसके पश्चात निश्चय कर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भरती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाना यानी बहुत दुख होना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। फ्रेंड्स, वही बात है जो बाबा भरती ने खड़क सिंह से कही थी कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब फ्रेंड्स, अब सोचिए कि बाबा भरती ने ऐसा क्यों कहा होगा डाकू से कि इस घटना को किसी से न कहना। क्या बाबा भरती को किसी से भय था अपनी इज्जत खोने का कि लोग क्या कहेंगे, दिन दहाड़े कोई डाकू बाबा भरती का घोड़ा ले गया? कि फिर बाबा भरती डरते थे डाकू खड़क सिंह से? तो क्या हुआ होगा, ऐसा आखिर क्यों कहा होगा? तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा,
परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। तो फ्रेंड्स, देखा बाबा भारती कैसे व्यक्ति थे, कितने महान थे। लोगों को इस घटना का पता चल जाएगा और वो गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए उसने अपना घोड़ा भी त्याग दिया। तो जो खड़क सिंह है, बाबा भारती से पूछता है कि बाबा भारती के शब्दों में डाकू खड़क सिंह पर गहरा असर डाला और बाबा भारती की महानता ने उसका दिल छू लिया। उसे बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, उसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता। फूल की नाई खिलना, फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। फ्रेंड्स, बाबा भारती के शब्दों ने डाकू खड़क सिंह पर गहरा असर डाला। बाबा भारती की महानता ने उसका दिल छू लिया। उसे बाबा भारती मनुष्य नहीं, देवता लगे। वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर लौट गया। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। मन मन का हो जाने यानी पांव भारी हो गए। अब आगे चलने में वे असमर्थ थे और वे नहीं चल पा रहे थे। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हीन हीन आया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हार फेरते रहे, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सुल्तान को पाकर बाबा भारती की प्रसन्नता का पार न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। फिर वे बड़े संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब समझ में आया कौन जीता, कौन जीत कर भी हारा। इसमें दोनों की ही जीत है। हार कर भी डाकू खड़क सिंह जीत गया और बाबा भारती भी।
तो फ्रेंड्स समझ में आ गई है इकाई यह कहानी डाकू का हृदय परिवर्तन। फ्रेंड्स आशा रखती हूँ यह इकाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स इस इकाई में आने वाले शब्द और मुहावरे हम देख लेते हैं। शब्दार्थ करुणा यानी दया, कीर्ति यश, प्रशंसा तारीफ, विचित्र यानी अनोखा, अधीर बेचैन या उतावला, सहसा अचानक, कंगाल निर्धन, नेकी भलाई, कुख्यात बदनाम, चाप पग ध्वनि, घृणा नफरत, अभिलाषा इच्छा, छवि चित्र या तस्वीर, वायु वेग यानी हवा की गति, प्रतिक्षण हर पल, विस्मय आश्चर्य, प्रयोजन उद्देश्य, कंगला यानी कंगाल निर्धन, अपाहिज विकलांग, बांका यानी सुंदर और बहादुर, असबाब यानी वस्तु सामान, अस्तबल तबेला यानी घुड़साला, खरहरा वह कंगी या पुरुष जिससे घोड़े के रोएं साफ किए जाते हैं, बाग यानी घोड़े की लगाम। फ्रेंड्स मुहावरे भी देख लेते हैं। लट्टू होना मोहित होना, फूला न समाना अति प्रसन्न होना, आंख नीची होना लज्जित होना, फूट फूट कर रोना बहुत रोना, सांप लौटना ईर्ष्या होना, सिर मारना अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। तो फ्रेंड्स यह हुआ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें। ओके बाय बाय।